हाँ जी, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ स्कीवनेस। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो आपने टेक्निक पढ़ी है डिस्पर्जन की, वेरिएबिलिटी की, वो पढ़ी आपने डिस्पर्जन। डिस्पर्जन आपकी कंपोजिशन बता रहा था, जो स्क्यूनेस है ये बताएगा कि जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है, वो डेटा स्क्यूड है या आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या कैसे है। ठीक है, तो स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, ये मेजर करेगा आपका स्क्यूनेस तब होगा जब आपका होगा लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना कौन क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका डिस्पर्जन था वो वी वेरिएबिलिटी मेजर करने की एक टेक्निक थी, ये भी है, वो कंपोजिशन की बात कर रहा था, और ये किसकी बात कर रहा है, ये बात करेगा लैक ऑफ सिमेट्री कि आपका जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है उसमें आपके सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, या उसमें कहीं ना कहीं कमी है या नहीं, ये मेजर करेगा। तो पहली बात तो आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया है कि व्हाट इज स्क्यूनेस, और इस बार इसे क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, अगर आपने देखा हो, हिंदी में भी पता होना चाहिए इसका, इसको हिंदी में बोलते हैं विषमता। जिसने हिंदी मीनिंग पता था ना वो आराम से निकाल सकता था, लेप्टोकुरिनेस ऐसा कुछ वर्ड आया था इस बार, देखा होगा आपने अगर आपका 2014 का पेपर था तो बिल्कुल यही आया था कि कौन सा मेजर करता था, स्क्यूनेस मेजर करता था, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन आया था। मैं कल या परसों में जब भी पेपर सॉल्व कराऊंगा तो दिखाऊंगा भी। ठीक है, उसके बाद आता है तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जब भी आप एमकॉम में भी पढ़ा है, बीकॉम में भी आपने पढ़ा है। देखो आप सभी नॉर्मल स्टूडेंट्स हो, मतलब सबके पास एक जैसी कैपेसिटी, मैं बोल रहा हूँ तो आपको एक जैसा सुनाई दे रहा है, आप एक जैसा सुन रहे हो, तो ये क्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ जाए जिसको मतलब हिंदी समझ में ना आए, इंग्लिश समझ में ना आए, और सिंपल जैसे तमिल के स्टूडेंट आ गए, तो उसमें क्या हुआ कि जो आपकी पॉपुलेशन है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप सभी क्या हो, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, इस क्लास की, एक्स का मतलब वो क्लास, मतलब मैंने लिख दिया कि नेट की क्लास एंड दीज आर स्टूडेंट्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा कि उसमें कहीं ना कहीं आ गया लैक, मतलब कमी आ गई, तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे समझ में, ठीक है। देखो अब क्या है आपके पास, आप सब एक जैसे हो तो पॉपुलेशन कुछ इस तरीके की मिलेगी आपको, कुछ समझ में आ रहा है। जैसे मान लो आपका, कल भी हमने बात की थी रोहतक की, रोहतक में आपका एरिया, जैसे मान लो रोहतक सिटी की बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है रोहतक क्या जो सिटी है उसमें हर जगह पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या एक जगह सेंट्रलाइज्ड है, आपको क्या लगता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप सिटी सिटी की बात कर रहे हो कि भाई सेक्टर 14 में भी इतने लोग रहते हैं, उधर भी इतने रहते हैं, उधर भी इतने रहते हैं, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कहूँ जैसे राजस्थान है, पूरा राजस्थान लो, राजस्थान में एरिया ना जैसलमेर पूरा खाली पड़ा है, वहाँ पर लोग नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली जयपुर अजमेर तक रह गए या जोधपुर तक रह गए, बाकी वो सारा खाली रह गया, तो वो क्या है, वो आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वहाँ का एरिया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बेसिकली आप समझिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आप जितने भी लोग हैं या जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं वो सभी को एक जैसी मिली है नहीं। जैसे मैं बात करूँ मनी की बात करें, तो क्या आपको सभी को एक जैसी पैसा मिला, ऐसा मतलब इसका देखिए इंडिया में बात करें कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इंडिया में सभी को एक जैसा मिल रहा है, आप क्या कहेंगे, नहीं, तो आप कहेंगे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिंपल सी बात कहोगे आप। जैसे हमारी जो एवरेज इनकम है वो 141 समथिंग इतनी है उसकी ईयर की, तो सभी तो 141,000 नहीं कमा रहे, कोई को बहुत सारी मोस्टली पॉपुलेशन बहुत कम कमा रही है, थोड़ी सी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कमा रही है। समझ में आ गई मेरी बात, मैं कह क्या रहा हूँ। और इंडिया की पॉपुलेशन की सबसे खास बात ये है कि जैसे कि डिपेंडेंसी वाली चीज़ होती है ना, कि इंडिया में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक आदमी कमाता है, चार पांच खाते हैं, कैसे, जैसे आपके पेरेंट्स को देखो, आप उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं देखना आप, है ना। अब जैसे मान लो आपके पेरेंट्स जब रिटायर होंगे या जो भी नहीं कर रहे, जैसा भी काम कर रहे हैं, तो उसके जो बच्चा है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इंडियन कल्चर है ये, तो यही आप यही तो बात कह रहे हैं हम कि इंडिया में जो चीज़ है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसी चीज़ को मेजर करेगा ये। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है,
सिमेट्रिकल कब होगा? जब आपकी सारी चीजें नॉर्मल हो, हर एक इक्वल हो। और आप अगर जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमने कल भी पढ़ा था वहां पर मीन मीडियन और तीनों बराबर ऐसे बोल सकते हैं। एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इतना ही समझो एक बार, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इक्वल है, आप सारे स्टूडेंट हो, सबकी हेल्थ एक जैसी है, मतलब स्वास्थ्य हो, आप स्वस्थ हो बिल्कुल ठीक है, पढ़ाई में एक जैसे हो, मेरी बात मैं बोल रहा हूँ आपको सब सुनाई दे रही है एक जैसी, तो ये क्या हुआ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। और आपको एक और एग्जांपल, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, अब मुझे बताओ ये जो चेयर्स में आप बैठे हो क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, समझ लो इसको है या नहीं, आप बताओ। एक साइड बैठे हो ना आप, कौन सी साइड बैठे हो? अगर मेरे एंगल से देखें तो आप लेफ्ट में ज़्यादा बैठे हो, तो वो भी देखेंगे ये खाली पड़ा है, समझ में आ गई बात। अब देखो ये सिमेट्रिकल हुआ, दूसरे जो हुआ बात आई, ये तो स्क्यूड, ये तो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक आया आपके पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है ना एक एरिया में ज्यादा मिल सकती है, तो या तो आपकी होगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड, क्या होगी आपकी स्क्यूड, देखो ये जो पार्ट है ना ये इक्वल 0.5 इधर 0.5 इधर इस तरीके से होता है। अब पॉजिटिव साइड ज्यादा है यानी प्लस की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, तो बताओ ये जो लाइन है इधर शिफ्ट होगी या उधर शिफ्ट होगी, एरिया उधर ज्यादा करना आपने, ये पॉजिटिव साइड है ये नेगेटिव है, एरिया कौन सी साइड ज्यादा करना है, पॉजिटिव साइड बढ़ानी है आपने, उस साइड करेंगे ना आप। देखो ध्यान से देखो ये कर दिया 0.5 था, इसको बढ़ा दिया आपने, ये क्या हुआ 0.78 जो भी करना वो कर दो, ये क्या हुआ आपका पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया, समझ में आ गया ठीक है। अब दूसरा देखो आप नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड में क्या है, अब आपके ना चांसेस कम हो रहे हैं ठीक है, नेगेटिव साइड ज्यादा है तो नेगेटिव साइड ज्यादा था बस ये कर दो, ये वाला एरिया इधर ना माइनस का होता उधर प्लस का होता, ये वाला एरिया ज्यादा कर दो, कर दिया बात समझ में आई आपको, तो ये प्लस का है ये आपका माइनस का है और आपको समझ में आया कि ये नेगेटिव स्क्यूड है और ये आपका पॉजिटिवली। अगर आप यहाँ से देखो, अगर मैं आपका ये बना रहा हूँ एंगल, तो ये पॉपुलेशन आपकी इस तरीके से है, तो यानी ये वाली इस डिस्ट्रीब्यूशन है, बताओ पॉजिटिवली या नेगेटिव है, आप लोग कौन सा एंगल आपने इस साइड से बनाया है, मैंने ऐसे बनाया, देखो आप इस साइड ज़्यादा हो पॉजिटिवली स्क्यूड हो मेरे एंगल से या नेगेटिवली, बताओ ऐसे बनाया इधर ज्यादा है ये वाला पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ ठीक है आपने ये बोला सर ये सारा पॉजिटिव, तो बिल्कुल ये इसी तरीके से आसान सा क्वेश्चन आया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेप्टोकुडिनेस कौन मेजर करता, तो आपने लिखा था स्क्यूनेस, विषमता हिंदी में बोलते हैं ठीक है, इतना क्लियर हो गया ठीक है। आगे देखिए ये तो तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने पढ़ा सिमेट्रिकल जहाँ पर मीन मीडियन मोड बराबर होंगे, ये प्लस साइड होती है, ये सॉरी माइनस होती है प्लस होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या होता है, अभी ये आपने पढ़ा था जब आपने मीन मीडियन मोड में रिलेशनशिप पढ़ा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा ना तो मीन ज़्यादा होगा मीडियन से, मीडियन ज़्यादा होगा, पढ़ी थी प्रॉपर्टी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और नेगेटिव स्क्यूड में ये होता है जहाँ पर मीन कम हो जाएगा मीडियन से, मीडियन कम हो जाएगा, आगे समझ में, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब देखो दोनों में डिफरेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, आपने वहाँ पर जब आप पढ़ रहे थे जब डिस्पर्जन पढ़ रहे थे तो रेंज देखी आपने, लार्जेस्ट 80 स्मॉलेस्ट 10 मान लो तो कितना आया 70, अमाउंट बता दिया ना। और ये देखो क्या लिखा है, डिस्पर्जन इज कंसर्न विद दी मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन सीरीज, अमाउंट बता दिया, ये वो अमाउंट बताया आपने कहीं, इधर आपने कहीं अमाउंट पढ़ा, यहाँ पर अमाउंट नहीं पढ़ा ना, इसे देख क्या लिख दिया यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन की बात की, प्लस में गए या माइनस में गए, ध्यान से पढ़ना एक एक चीज, वो तो बताता अमाउंट के केसेज में, और ये क्या बताता है डायरेक्शन कि आप पॉजिटिव में जा रहे हो या आप नेगेटिव में जा रहे हो ठीक है। क्या हाँ तो ये बात ही तो यही कह रहा है कि वैल्यू के बेसिस पे निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन सीरीज, स्क्यूनेस भी ठीक है, आपने कहा कि वैल्यू के बेसिस पे निकाल, ये इधर आपने कहीं दिख रहा है कि क्या वैल्यू थी, देखो इधर देखो, हाँ
बेसिस है। देखो अभी आपको ये चीज़ अब अगले लेक्चर में समझ में आ जाएगी मूवमेंट्स में, ठीक है, कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कौन से मेजर है, कौन से, ये चीज़ यहाँ देखो यहाँ किस तरीके से दिखाई दे रही है, यहाँ कहीं आपको वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव में जा रहे हो नेगेटिव, वहाँ आपको क्लियर दिख रहा था कि कितना गैप आ रखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो स्क्यूनेस मेजर द डायरेक्शन, दूसरा देखो डिस्प्रेजेंट एज द कंपोजिशन, डेटा की सीरीज की कंपोजिशन कैसी है, मतलब वैल्यूज किस तरीके की है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है कौन सी कम है, और ये क्या बताएगा शेप क्या बनेगी सीरीज की, ठीक बात है, ये क्या बताएगा शेप, वो कंपोजिशन और ये बताएगा शेप, ठीक है। और ये देखो एक और चीज़ आई, डिस्पर्जन आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर एवरेज जैसे मीन मीडियन और मोड। अब ये देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, फर्स्ट ऑर्डर जो आपके एवरेज है ना, या फर्स्ट ऑर्डर जो आपके हैं फ्रिक्वेंसी, उस वो होते हैं आपके मीन मीडियन मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल्स, परसेंटाइल, ये सब क्या है फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या आ गए, सेकेंड ऑर्डर में जो अभी आपने मेजर किए हैं ना, जैसे कि आपने लास्ट ईयर जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ये सेकेंड ऑर्डर फ्रिक्वेंसी या सेकेंड ऑर्डर आपके एवरेजेज है, बात समझ में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आया, मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब चीज़ें आ गई। और सेकेंड ऑर्डर में क्या आया, सेकेंड ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर का मतलब ये, पहले आप मीन ही तो कैलकुलेट करोगे, एवरेज ही तो कैलकुलेट किया है ना आप चैप्टर में, उसके बाद आपने सेकेंड में क्या किया, जब आपने उनसे निकाल लिया तो मीन से आपने डिस्पर्जन चेक किया तो वो सेकेंड ऑर्डर हो गई। तो जो आपके डिस्पर्जन था वो उनके बेसिस पे था, इनके मतलब मीन मीडियन मोड के बेसिस पे था, क्वार्टाइल डेविएशन पे था, तो वो तो क्या फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पे था, आ गई समझ में। और ये किस पे है, फर्स्ट ऑर्डर पे भी है और सेकेंड ऑर्डर पे भी, और सेकेंड ऑर्डर समझ में आ गया क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया कि सेकेंड में आपको डिस्पर्जन कैलकुलेट करना है, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन जो है वो आपके सेकेंड ऑर्डर है, समझ में आ गई बात। देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या लिखा, जैसे ये डेटा है आपने अभी तक क्या पढ़ा है वो देखिए, आपने जो अभी तक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा है, डेटा की आइडेंटिफिकेशन करके, कलेक्शन करके, डेटा का प्रेजेंटेशन करके, जब डेटा प्रेजेंट करें उस पर कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स लगानी है, और आपने लगा दिया मीन मीडियन मोड। जब आप मीन मीडियन मोड ये सब लगा रहे हो तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेशन, ठीक है। अब निकालिए इसका क्या रिजल्ट है, इसके बाद इसमें वेरिएबिलिटी चेक कर रहे हो आप, तो जो आप लगा रहे हो जितने भी मेथड है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेशन, ठीक है। तो जो आपका डिस्पर्जन है वो तो फर्स्ट ऑर्डर पे बेस था, मीन मीडियन मोड के बेस पे, और जो ये स्क्यूनेस है वो फर्स्ट प्लस में सेकेंड ऑर्डर पे, ठीक हो गई बात, ठीक है, ओके। तीन आपने डिफरेंसेस पढ़ा, बताइए कौन कौन से, एक ने तो बता दिया क्या अमाउंट, और दूसरे ने क्या बता दिया डायरेक्शन, क्लियर हो गया। यही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके बड़े मार्क्स क्रिएट कराते हैं। दूसरे में आपने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा आपने कि ये कंपोजिशन बताता है और ये आपका शेप बताता है, ये किसके बेसिस पे है, और ये फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, ये डिफरेंसेस आ गए, ठीक है। अब आप कैसे मेजर कर सकते हो, देखिए आप देखिए कैसे कैसे मेजर कर सकते हो टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस में। देखो अभी आपको देखो तीनों चीजें बताते हैं, क्या लगता है स्क्यूनेस है या आपको क्या लग रहा है, नहीं मतलब स्क्यूनेस नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या आपका स्क्यूड है, ये कैसे, मेरे को ना ग्राफ थोड़े से ठीक बनाने आते नहीं है, ये भाई 50% मान लेना, ठीक है, अज्यूम करके, और ये ऐसे है, अब नॉर्मल दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ठीक है। एक और चीज, एक तो ये है कि आप उसको प्लॉट करके देख लो डेटा को, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बन रही है ना तो क्या बनेगा कि वो आपका भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज स्क्यूड है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप रिलेशनशिप देख लो, किसमें रिलेशनशिप देख लो, मीन मीडियन, और अगर मीन इक्वल हो गया मीडियन के, मीडियन इक्वल हो गया मोड के, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ पर डिफरेंसेस मिल गए तो फिर आप कहेंगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ठीक है। तीसरा आप एक और चीज़ देख सकते हो, क्या रिलेशनशिप देख सकते हो, किसमें क्वार्टाइल, क्वार्टाइल थर्ड और मीडियन में,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, अगर यहाँ देखिए कि Q3 में से मीडियन कम कर दो, मीडियन में से Q1 कम कर दो, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं ना तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 75% आइटम आते हैं, यहाँ पर आपके 50%, यहाँ पर भी आपके 50%, यहाँ पर आपके, और गैप क्या आता है, यानी ये वाली चीज़ आनी चाहिए। तो ये तीन तरीके से आप क्या मेजर कर सकते हो, स्कीवनेस मेजर कर सकते हो। आई समझ में या नहीं आई, कोई डाउट है? ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है व्हाट इज स्कीवनेस। स्कीवनेस मेजर करता है, वर्ड ध्यान से सुन लो, लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? दूसरी चीज देखो, उसके बाद आपने देखा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाइप में आपने तीन पढ़े, या तो नॉर्मल होगा, या आपका स्क्यूड होगा, स्क्यूड में आपका पॉजिटिव हो सकता है और आपका नेगेटिव हो सकता है। तीसरी चीज आपने पढ़ी है कि कैसे मेजर करें, वो दोनों में डिफरेंस है। तो एक ने आपने देख लिया कि अमाउंट बताएगा, एक में आपने देख लिया डायरेक्शन बताएगा, एक में आपने फिर देखा कंपोजिशन, एक ने शेप, और एक किसके बेसिस पे, फर्स्ट ऑर्डर। और ये आपने आप आराम से बता सकते हो कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेशन, मीन मीडियन मोड हो रही है, और सेकंड ऑर्डर में स्टैंडर्ड डेविएशन या जितनी भी डिस्पर्जन सब आ गई। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? बेसिक थी, आप लिखे हुए बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं, हम उसके डेप्थ में जाके पता करें कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर होने के बाद हम पढ़ते हैं आगे। ये मेजर आपने कर लिया कि आप मीन मीडियन मोड बराबर आता, सिमेट्रिकल है अदरवाइज नहीं है। ये डिस्टेंस देख सकते हो, इक्वी डिस्टेंस मिल गए तो आप कहेंगे सिमेट्रिकल है अदरवाइज नहीं है। प्लॉटिंग करके देख लो, अगर बेल शेप्ड बनता है तो सिमेट्रिकल है अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब इसके देखो मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। तो सबसे पहले आता है कॉल्पिएशन का मेथड। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि कॉल्पिएशन का मेथड किसके बेसिस पर है। तो देखो अभी आप ये पढ़ के आ चुके हो कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर दोनों के बेसिस पे होती है, ये तो क्लियर है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या ले रहा है और सेकंड ऑर्डर में क्या ले रहा है। यहाँ पर है देखो मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ ये तीनों क्या है, और ये ठीक होगी बात यहाँ तक। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन पे है कॉल्पिएशन का, सारे मेथड नहीं, आप बाउले और कैली का और पढ़ेंगे वो अलग मेथड पे मिलेंगे, लेकिन ये किस पे है, मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकालना आपने, अगर देखो आप एब्सोल्यूट निकालना है तो सिंपल सा करो कि मीन में से मोड कम कर दो, मीन में से देखो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मीन और मोड इक्वल आते हैं, मीन और मोड इक्वल आते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। अगर स्क्यूनेस होगी तो डिफरेंसेस मिल जाएगा, मीन में से मोड कर दो। अगर आपका मोड डिफाइन है तब लगेगा, लेकिन मोड आपका डिफाइन नहीं है, डिफाइन मतलब इल डिफाइन है। अब इसमें बताना मोड क्या है, 255887329 बताओ इसमें मोड क्या है, बताना। तीन मोड दिख रहे हैं आपको इसमें, इसमें 55 भी दो बार है, 88 भी है, 99 भी। तब तो जब मोड आपका इल डिफाइन हो ना, जब आप अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तब आप वहां पर मीडियन यूज करें। तब यह क्या यूज करना है, मीडियन, और मीडियन यूज करने के लिए बस लिखिए स्क्यूनेस 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, 3 मीन माइनस मीडियन तो आपका निकल जाएगा, एल डिफाइन है तब की केसेस में आपका निकलेगा। ठीक है, आ गए समझ में, क्लियर हो गई? ठीक है, दूसरी चीज देखिए, अगर रिलेटिव निकालना है ना तो रिलेटिव निकालने के लिए देखो मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन था, नीचे लिख दो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या लिख दो, ये जब आपका मोड डिफाइंड है, अगर इल डिफाइंड है ना तो ये वाला फॉर्मूला इसके नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मोड को यूज किया ना तो रेंज रहेगी प्लस माइनस वन से प्लस वन के बीच में, और अगर आपने मीडियन यूज किया है तो रेंज हो जाएगी माइनस थ्री टू प्लस थ्री। क्लियर हो गई बात आपको? हाँ जी, ठीक है ना, आपको समझ में आ गई वाला। चलो फटाफट अपने नोटबुक में इसका फॉर्मूला लिखना एक बार। बाउले मेथड पहला था आपका मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखो किसके बेसिस पे, मीन ये आपका क्वार्टाइल वन क्वार्टाइल थर्ड और आपका मीडियन के बेसिस पे, और वही फॉर्मूला लगेगा। स्क्यूनेस मेजर करनी है तो देखो क्या करना है, स्क्यूनेस मेजर करनी है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, इसमें 75% आइटम आते हैं, इसमें 25, इसमें 2 मल्टीप्लाई 50, यहाँ हो गया 100, ही हो गया 100, स्क्यूनेस ही नहीं होगी अगर ये इक्वल आ गया तो, अदरवाइज होगी। ठीक है, ये तो आपका एब्सोल्यूट, और रिलेटिव करना है ना तो बस सिंपल सा करिए, आप ये जो फॉर्मूला है ना इसको डिवाइड कर दीजिए क्या Q3 माइनस में Q1, रेंज माइनस वन टू प्लस वन।
ठीक है, बावली आ गया समझ में। तीसरा आपके पास आया कैली का, कैली का जो मेथड है वो आपका है परसेंटाइल, डेसाइल्स और मीडियन के बेसिस पे, परसेंटाइल डेसाइल्स और बिल्कुल उसी के तरीके से है। देखो परसेंटाइल कितने होते हैं, 100% होते हैं, 100 होते हैं ना परसेंटेज, तो एक में परसेंटेज 90 परसेंटाइल प्लस में 10% माइनस में 2 मीडियन, ठीक है, 90% प्लस में 10% माइनस में 2 बार 50 50 हो गए ना 100, तो 100 में से 100 कम कर दो 0 आएगा। डेसाइल्स, डेसाइल्स मतलब 10वां पार्ट, तो कितने 10 पार्ट बनेंगे 100 के, 10 ही बनेंगे, तो 9 पार्ट प्लस में 1 पार्ट माइनस में 2 मीडियन, आगे समझ में। एंड देन आपका रिलेटिव करना है, तो बिल्कुल सेम उसी की तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा है सेम यही आया P90 प्लस में P10, ठीक है, ये रिलेटिव आ जाएगा, आगे समझ में। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास वो आपके यही आएंगे कि एक तो फॉर्मूला मैच करना, दूसरा किसके बेसिस पे है और क्या क्या मतलब बेसिस बन सकते हैं, स्क्यूनेस कैसे निकलता है, स्क्यूनेस के बेसिस क्या होंगे, टाइप क्या होते हैं, ठीक है, कैसे आप मेजर करोगे और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और ये जो मैंने लिखवाया ना कि वो अमाउंट शेप, ये तो बिल्कुल आपको डायरेक्ट और एज इट इज मिलेंगे उस क्वेश्चन से, स्टेटमेंट में भी आएंगे तब भी, ठीक है, आगे समझ।